आलिया भट्ट की मॉम सोनी राजदान और सासू मां नीतू कपूर एक्ट्रेस के लिए रखेंगी गोद भराई। आलिया के बेबी शावर में शामिल होंगी उनकी गर्ल गैंग। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इस वक्त पी टाउन के सबसे फेवरेट कपल बने हुए हैं। 14 अप्रैल को दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों ने अपने अपार्टमेंट में ही एक दूसरे संग साथ फेरे लिए थे। अब जल्द ही ये कपल पेरेंट्स बनने वाले हैं और जिसको लेकर पूरी भट्ट और कपूर फैमिली बेहद एक्साइटेड है। खबरों के मुताबिक भट्ट और कपूर फैमिली बेबी को लेकर इतनी एक्साइटेड है कि वो जल्द ही मॉम टू बी आलिया भट्ट के बेबी शावर करने की प्लानिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि आलिया भट्ट की मॉम सोनी राजदान और सासू मां नीतू कपूर एक्ट्रेस के लिए ग्रैंड बेबी शावर का आयोजन करने वाली है। ये पार्टी पूरी तरह से ऑल गर्ल्स पार्टी होगी, जिसमें शाहीन भट्ट, करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर, आकांक्षा रंजन, अनुष्का रंजन, नव्या नंदा, श्वेता बच्चन, आरती शेट्टी और आलिया भट्ट की गर्ल गैंग पार्टी की रौनक बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। रिपोर्ट के अनुसार होने वाली नानी सोनी राजदान व दादी नीतू कपूर सितंबर 2022 के अंत में आलिया की गोद भराई का आयोजन करेंगी, जिसकी तैयारियां उन्होंने अभी से ही शुरू कर दी है। चूंकि आलिया भट्ट अपने पति रणबीर कपूर के साथ अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं, इसलिए उन्हें पूरे कपूर और भट्ट परिवार से खूब लाड प्यार मिल रहा है। इससे पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि आलिया की सास नीतू कपूर खास तौर पर उनका ध्यान रख रही हैं। उनकी दूसरी ट्राइमेस्टर के दौरान नीतू आलिया की नियमित जांच कर रही थी। इसके अलावा खबरें तो ये भी हैं कि आलिया की सासू मां अक्सर वीडियो कॉल के जरिए उनसे बातचीत करती हैं और उन्हें फिट व स्वस्थ रहने में मदद करने के लिए कुछ पुराने नुस्खों के साथ साथ सही तरह के पोषण के बारे में टिप्स देती रहती हैं। वहीं आलिया भट्ट अपने जीवन में मदरहुड के नए सफर को अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। अपने पति रणबीर कपूर के साथ बेबी मून का आनंद लेने से लेकर अपनी मेटर्निटी स्टाइल को फ्लॉन्ट करने तक होने वाली माँ इस दौर को बहुत अच्छे से फील कर रही हैं। वो जब भी स्पॉट की जाती हैं तो अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट कर मीडिया के सामने पोज देती नजर आती हैं। गौरतलब है कि शादी के 2 महीने बाद ही आलिया ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया था कि वो प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही मां बनने वाली हैं। तब से लेकर अब तक सभी की नजरें आलिया के बेबी बम्प और उनके प्रेगनेंसी लुक्स पर हैं। आलिया और रणबीर पहली बार एक फिल्म में एक साथ नजर आए, जिसका नाम ब्रह्मास्त्र है और ये फिल्म रिलीज होते ही एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। फैंस को दोनों की जोड़ी फिल्म में काफी पसंद आई है। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र बॉयकॉट ट्रेंड के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और 5 दिन में दुनिया भर से 225 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।